Hi guys, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for latest update. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So अभी 11:55 हो रहे हैं और बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा है. लाइक अभी जस्ट बारिश शुरू हुई है और आज सुबह से ये कौवे इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं. पता नहीं क्या हुआ है, आज से पहले से कभी नहीं हुआ इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं. और देखिए हल्की हल्की सी जो है वो बारिश शुरू हो गई है. वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में भी. ये देखो ये जो कौवा है ना ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मतलब इसके कुछ साथी हैं और ये है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आज. और यहाँ पर हूँ मैं, हेलो बोल रही हूँ आपके साथ और इन्जॉय कर रही हूँ अभी का वेदर. एक्चुअली प्लीज़ आप मेरे कपड़ों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है. और गर्मी में ना ऐसे ही कपड़े जो हैं अच्छे लगते हैं, ढीले ढाले से. और काम वाम करते रहो यार तो ऐसे ही कपड़े ठीक रहते हैं, है ना. तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बालकनी में खड़ी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती लोग मुझे पागल समझें. इसलिए मैं ज़रा वॉइस ओवर ही कर रही हूँ. देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है. अभी सावन का महीना चल रहा है ना तो काफ़ी मतलब मौसम ऐसा ही है, कभी गर्मी हो जाती है. और अभी मैं किचन वगैरह जो है वो क्लीन कर रही हूँ. और एक्चुअली क्या है, मम्मी बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो है वो लेकर के आ गई थी, उन्हें भी क्लीन करना है. और यहाँ पर मैं बर्तन जो है वो लगा रही हूँ. एक्चुअली अभी जो बर्तन साफ़ करने वाली है वो बर्तन जो है वो सब साफ़ करके गई है, लेकिन क्या है ना टब के अंदर या टोकरे के अंदर ना सूखते नहीं हैं अच्छे से, तो ऐसे गीले बर्तन लगाने का कोई मज़ा नहीं आता है. क्या होता है ना अभी मतलब बारिश का टाइम है तो अगर हम गीले बर्तन लगा देंगे ना तो कीड़े हो जाते हैं किचन के अंदर. तो इसलिए जो किचन को ना ऐसे फिर मतलब स्लैब के ऊपर बर्तनों को लगाना पड़ता है ताकि अच्छे से ये सूख जाएं. और सूखने के बाद ही मैं इन्हें जो है अच्छे से लगाती हूँ किचन के अंदर. तो ये सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हैं. अभी एक्चुअली मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को नाश्ता वगैरह चाय वगैरह बना करके दी थी तो ये बर्तन अभी जूठे हो गए हैं. इन्हें मैं रख दूँगी क्योंकि 3 बजे के करीब जो है बर्तन साफ़ करने वाली दोबारा आएगी, तो इसे मैं अभी साइड में रख दूँगी. और मम्मी ना अभी कहीं गए हुए हैं और वो जाते जाते काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मतलब उन्होंने ख़रीदी थी तो वो भी अभी मुझे वॉश करके रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार. मतलब अभी ना क्या है, दिमाग में ना भाई कोरोना वाला जो कीड़ा है वो फंसा हुआ है पहले की तरह. मतलब अच्छे से जब तक सारी सब्ज़ियाँ वॉश करके ना रख दो तसल्ली ही नहीं मिलती है. तो अच्छे से यहाँ पे ना मैं खीरा और ये भिंडी विंडी जो भी है सब कुछ मैं अच्छे से वॉश करके इन्हें सुखाने वाली हूँ. उसके बाद इसे ही मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि क्या होता है कई बार ना फ्रिज में से निकालो तो धोने का आलस आ जाता है और धोने के बाद फिर सूखने में भी टाइम लगता है. तो इसलिए ना धो कर के पहले ही रख दो तो वो चीज़ थोड़ी ठीक रहती है. तो इसलिए मैं पहले ही धो के सुखा करके अच्छे से उसे फ्रिज में फिर रख देती हूँ. तो ये हैं करेले. यार कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को करेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यार मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. ये है तोरई, तोरई बोलते हैं ना शायद, हाँ ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. और शिमला मिर्च तो पूछो ही मत. भिंडी, भिंडी भी अच्छी लगती है यार, सब कुछ ही पसंद है मुझे तो. खीरा. और ये है टमाटर, टमाटर तो राजा है सब्जियों का. हाँ जी, सो अभी 1 बज रहे हैं और जस्ट मैंने अभी शावर लिया है और आज मैं नहाई हूँ इस ब्रांड के शैम्पू और कंडीशनर के साथ. हाँ यही वाला ब्रांड है,
एक्चुअली इसे मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, अभी 3 से 4 बार मैंने इसको यूज़ कर लिया है और आज मैं अभी इसका रिव्यू जो है वो शूट करने वाली हूँ और उसका जो वीडियो है वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा या फिर आज ही आ जाएगा, मुझे नहीं पता, जब भी आएगा आपके सामने होगा। और अभी जो मैंने बताया 1 बज रहे हैं अभी, तो अभी मेरे ब्रदर इन लॉ ने जो है वो खाना खाया है, सुबह का नाश्ता किया है, अभी नहीं 11:30-12 बजे और उनको अभी तो भूख लगेगी नहीं और मुझे आदत है 2-2.5 बजे के करीब जो है लंच करने की, तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी, तो 2-4 वीडियो तो मैं आराम से अभी शूट कर लूँगी। और बस अभी नहा करके आई हूँ, कंडीशनर और शैम्पू मैंने इसी ब्रांड का यूज़ किया है, मतलब इसके जो रिव्यूज़ हैं वो आपको उसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो वो वीडियो भी आप शूट ज़रूर देखना। तो अभी फटाफट से मैं वो सारी वीडियोज़ जो शूट कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी एक्चुअली मैं नहा कर आई हूँ जस्ट अभी, और स्वेट देखो यार, मतलब एक्चुअली क्या है ना, अभी मैंने आपको दिखाया बाहर बारिश हो रही है और बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है और एसी का भी पता नहीं लग रहा, अभी चलाया इसका पता भी नहीं चल रहा कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ऐसे ये देखो चिपचिप हो रहा है। और इसलिए मैंने यहाँ पर टेलकम लगाया हुआ है, टेलकम पाउडर के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, मतलब स्पेशली यहाँ इस एरिया में गर्दन पे, क्योंकि ये जो मतलब गर्मी वाला टाइम है ना, यहाँ पे ऐसे चिपचिप सा होने लग जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, इसलिए मैं टेलकम के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। आप लोग सोचते होंगे यार ये पता नहीं क्या टेलकम पाउडर से ही नहा कर आती है, बट ऐसा नहीं है, मुझे आदत नहीं है इसके बिना रहने की बिल्कुल भी। सो अभी मैं फटाफट से वीडियोज़ जो है वो शूट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अभी बज रहे हैं 2:30 और वीडियो शूट हो चुकी है, 4-5 वीडियो शूट कर ली और रील्स वगैरह भी बनाई हैं और अभी थोड़ा बहुत मेकअप है, मेकअप क्या है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर है, काजल है और लिपस्टिक है और इसी में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, मतलब क्योंकि आदत नहीं है मेकअप लगाने की, घर पे भी मैं मेकअप नहीं करती और कहीं बाहर जाती हूँ, कोई फंक्शन वगैरह पार्टी होती है तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, अदरवाइज़ घर पे मैं यार बिल्कुल मेकअप नहीं कर सकती, मतलब मेरा फेस ऐसे होता है यार पता नहीं कितना किलो का भार लगा दिया, हालाँकि सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगाया है। और 2:30 बज रहे हैं और मुझे जोरों की भूख लग रही है और मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है, तो चलो चलते हैं किचन में। तो ये जो बर्तन मैंने सुबह लगाए थे ये सूख चुके हैं अच्छे से, अभी इन्हें लगाना है मैंने, और ये सब्जियां अभी तो मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि ये गीली है, मैंने इन्हें देखा है अभी, तो ये बर्तन सब अच्छे से सूख चुके हैं तो इसे मैं अच्छे से पहले तो मैं लगा दूंगी, उसके बाद ही खाना अपना जो है वो तैयार करूँगी। और कल एक्चुअली हमने बनाई थी दाल और सुबह मम्मी ने चावल बनाए थे, तो वही अभी पड़े हुए हैं दाल और चावल, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मेरी फेवरेट वाली डिश क्या है तो यार दाल और चावल सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिंपल और सबसे ज़्यादा टेस्टी दाल और चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये चावल और दाल मैं गरम कर लूँगी और बस मैं यही खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये पहले अच्छे से गर्म हो जाएं उसके बाद हम इसे खाएंगे। चलो यार जब तक हमारा खाना रेडी होता है तब तक हम बाहर का नज़ारा देख लेते हैं, और ये मैक्स बैठा हुआ है बाहर, देखते हैं कैसा वेदर है, मौसम तो काफ़ी अच्छा है बाहर, ऐसा लग रहा है मतलब कि बारिश होगी, बहुत ज़्यादा हुमस हुई पड़ी थी यार, बहुत ज़्यादा हुमस हुई पड़ी है, बारिश हो ही जानी चाहिए तो अच्छा है। बारिश
बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी भसड़ हो गई है। एक्चुअली इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि बारिश शायद आएगी, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स आप वहाँ पे साफ देख सकते हो। तो बारिश तो है, लग रहा है कि आएगी, बट और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब आप देख सकते हो फेस पे पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मौसम ठीक है, अच्छा है, और मन कर रहा है ये दरवाज़ा खोल करके रखूँ, लेकिन आज एक्चुअली क्या हुआ, कौए आज सुबह से इतना ज़्यादा बोल रहे थे। मैं जसप्रीत को भी यही बोल रही थी कि आज कौए पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर मैंने मम्मी से बोला, मुझे लग रहा है कि आज हमारी सोसाइटी में बंदर वंदर आ रखे हैं शायद, इसीलिए कौए इतना बोल रहे हैं। मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो जब मम्मी नीचे से सब्ज़ी लेकर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि सोसाइटी में बंदर घूम रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने बोला मम्मी आपको उन्हें बोला था कि कौए इसीलिए ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें जब कोई अजीब सा जानवर नज़र आता है तो सोसाइटी में बंदर घूम रहे हैं, इसीलिए मुझे ये जो दरवाज़ा आज बंद करके रखना पड़ रहा है। मुझे तो भाई बहुत डर लगता है बंदर अंदर से। चलो यार अंदर चलते हैं, पता चले कैमरा लेके भाग गए। तो चलो यार खाना खा लेते हैं, चावल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। ये मैं अपने ब्रदर इन लॉ की प्लेट लगा देती हूँ, एक अपनी लगा लेती हूँ। यहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, लाइक 2 बजे, मैं 2:15 बजे खाना खा लेते हैं और अभी 2:45 बज गए थे ये गर्म करते करते, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो चलो यार जल्दी से लंच कर लेते हैं अभी। ये देखो मेरी बिंदी खिसक के कहाँ तक आ गई है। पसीने के साथ, गर्मी के साथ, एक्चुअली आज थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि रोज़ तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ खाना खाती थी, आज वो नहीं है यहाँ पे, कहीं गई हुई है। तो अकेले खाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ब्रदर इन लॉ हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने रूम में ही हूँ। और अभी खाना खाने के बाद शाम की खाने का भी तैयारी करनी है, एक्चुअली अरबी बनानी है, और अरबी को छीलना, उसे साफ़ करना थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो वो पहले ही करना पड़ता है, इसलिए खाना खाने के बाद अभी मैं उसी का ही काम करने लग गई हूँ। तो यार ये है इस अरबी की सब्ज़ी जो मम्मी देखकर गई हैं, वो एक्चुअली अरबी मम्मी ने कल परसों ली थी, लेकिन ये ना थोड़ी सी ख़राब निकली और वो कम पड़ रही थी, तो इसीलिए ये थोड़ी सी और है, तो इसे मैं फ़िलहाल साफ़ कर लूँगी और छील लूँगी अच्छे से, काट तो मैं बाद में भी लूँगी। अरबी वगैरह जो है मैंने काट करके मतलब छील के उसे मैंने धो के सुखा दिया है, थोड़ी देर तक वो सूख जाएगी। और यार अभी मेरे से क्या गलती हुई ना, अरबी को पहले मतलब उसे हाथ लगाने से भी पहले हाथों में जो है वो ऑयल लगाना पड़ता, लेकिन मैं भूल गई, और अभी देखो यार एकदम लाल हो गया है, मतलब इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही है कि पूछो मत। और बच्चों का इतना ज़्यादा शोर आ रहा है ना पार्क से, बच्चे मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वेदर को, खेल रहे हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ जो हमारे बर्तन वगैरह वॉश करती है, जो बच्ची बर्तन वॉश करती है उसका मैं वेट कर रही हूँ अभी, अभी तक वो आई नहीं है। 3 बजे वो आती है लेकिन आज वो लेट हो गई है, पता नहीं क्यों नहीं आई है अभी तक। और 3:15 हो गए हैं और बिल्कुल 3 बजे तक वो आ जाती है। जब भी उसका वेट करो ना तो वो हमेशा लेट आती है, जब भी आराम से बैठे रहो वो हमेशा टाइम से आ जाएगी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और यार मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ना इचिंग हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दोस्तों अभी बज गए हैं 7 और शाम का मतलब डिनर बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं एक कटोरी में सारे मसाले वगैरह जो है वो इकट्ठे कर लूँगी, लाइक ज़ीरा है, अजवाइन है, हींग है, और जो मसाला धनिया पाउडर वगैरह जो भी है। ऐसे क्या होता है ना मैं भूलती नहीं हूँ, फिर एक एक चीज़ करके मैं भूल जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना एक कटोरी के अंदर सारे मसाले वगैरह इकट्ठा करके ही रख लेती हूँ और वो फिर एक साथ डाल देती हूँ, इस तरह से मैं भूलती नहीं हूँ।
यार अभी मैं कुकिंग एक्चुअली सीख रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कुकिंग नहीं कर पाती, अभी मैं सीख रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा मुझे करना पड़ता ताकि मैं चीज़ों को भूलूँ नहीं। सो अभी मैंने फेस जो है वॉश किया है क्योंकि किचन से अभी मैं आई हूँ और मेरे आईज़ देखो मतलब काजल फैल गया बिल्कुल। किचन में जाने के बाद तो हालत ऐसी बुरी हो जाती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। 7:30 हो रहे हैं अभी, खाना बन गया है और जब भी आई थिंक 8:30 बजे तक सब खा लेंगे। और जसप्रीत अभी तक अपने काम से नहीं है, एक्चुअली वो अपने काम से सीधा ही अपने फ्रेंड्स के पास चले गए हैं। पता नहीं वो खाना खाएंगे कि नहीं, कि फ्रेंड्स के पास जब जाते हैं तो फिर खा के ही आते हैं, ऑब्वियस सी बात है बाहर का। तो अभी क्या है, अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है क्योंकि 8:30 बजे के करीब ही सब खाना खाएंगे और इतनी भूख तो है नहीं अभी। और अभी मेरे को थोड़ा सा जो है वो शूट करना है वीडियो, जो बाकी ब्रांड का वीडियो जो है शूट करना है, आधा कर लिया था दोपहर में और आधा अभी करना है। उसके लिए फेस पे मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो प्रोडक्ट्स वगैरह को ही शूट करना है, ज़्यादा नहीं है, तो वो मैं अभी करूँगी। सो गाइज इस व्लॉग को मैं अभी यहीं फ़िलहाल एंड करती हूँ। आई होप आपको ये जो छोटा सा व्लॉग है डे इन माई लाइफ वाला छोटा सा, वो आपको अच्छा लगेगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइज प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप इसी तरीके के डेली व्लॉग्स जो है वो देखना चाहते हैं तो वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी अगर आपको पसंद आएंगे तो। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।